हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी बीएड टू ईयर कोर्स की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना है, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने मोबाइल से करके दिखाने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल से भी अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, प्लस में आपको 2000 की फीस आपको यहाँ पर जमा करवानी होती है। ये दो काम आपको करने होते हैं। तो कैसे करना है ये सब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल में सर्च कर सकते हैं पीटीटी राज 2022.com ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 4 ईयर्स की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ पर सकते हैं सेकेंड राउंड का काउंसलिंग प्रक्रिया 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। जो 4 ईयर्स का जो कंप्लीट प्रोसेस है, काउंसलिंग कैसे करना है, कॉलेज चॉइस कैसे बनना है, इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज एडमिशन की जो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, ये सब कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 ईयर्स वाले अपने काउंसलिंग और कॉलेज चॉइस फिलअप का प्रोसेस वहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं 2 ईयर्स का कॉलेज चॉइस कैसे बनना है। कॉलेज चॉइस के यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं कॉलेज चॉइस, आपको यहाँ पर एडमिशन फीस 2000 की फीस जमा करवानी होती है। 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर जमा करवानी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कॉलेज काउंसलिंग करवानी होगी, ठीक है, आपको यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करवानी होगी, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी होगी, ठीक है। और अपॉर मोमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है। 11 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 18 अक्टूबर तक आप अपॉर मोमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ईयर्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको पीटीटी की हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स, कोई भी मदद हो वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस वाले कोने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का, आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जनरल डिटेल्स एंटर करनी है, आपका रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ से कोई सा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इमित्र वाला फिलहाल अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इमित्र वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इमित्र जाकर आपको 2000 की फीस जमा करवानी है। ध्यान रखना कि इमित्र वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर रहते हैं ICICI बैंक वाला सेलेक्ट करेंगे तो केवल ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, पूरी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से एंटर करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो आपकी जो भी जनरल डिटेल्स है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, और आपको जो भी कॉलेज मिला है, कॉलेज का नेम, कॉलेज का एड्रेस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे, कौन कौन सी अपलोड करना है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की, तीनों मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। यदि आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आपको यहाँ पर जो तीनों वाले ऑप्शन है, तीनों में फाइनल की मार्कशीट यानी कि अपनी डिग्री अपलोड कर सकते हैं तीनों की जगह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो का आपको यहाँ पर सैंपल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे किस तरह का आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेल्फी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, मोबाइल से खींच कर भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर ST कैटेगरी का ओपन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर OBC का हो सकता है, आप जिस भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपका यहां पर ओपन होगा। कहने का मतलब यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स के नाम आ रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर ऑनलाइन अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपको सफेद पेज में लिखना है, और सेम टू सेम आपको ऐसा कैसा आपको यहाँ पर लिखकर आपको यहाँ पर यहीं पर ही अपलोड करना है। अब बात करते हैं अपलोड कैसे करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। इसके बाद नए इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप, आपको यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है कि आपका जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, यदि आपको अपनी जो फोटो का साइज छोटा बड़ा करना नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएगा, उस पर मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें अपने
फोटो का साइज कैसे आपको करना है, फोटो को सेट कैसे करना है, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए किस तरह का आपको फोटो बनाना चाहिए, वो वाला वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब आपको फोटो कैसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड यूजी पार्ट वन मार्कशीट, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर यही मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जहाँ कहीं भी आपकी फाइल रखी हुई है वहाँ से आपको अपलोड करना है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं अपनी फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर ली है। और फ्रेंड सबके जो मार्च आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। रीनेम कर लेना है, जैसे आपका फोटो है फोटो नेम लिख लेना है, मार्कशीट है तो कौन सी मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वो लिख लेना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उल्टे सुलटे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होने चाहिए। यदि हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको कॉलेज जाकर ही आपको यहाँ पर एडमिशन करवाना होगा, तो ये आपकी दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका नेम जरूर लिख लेना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है, यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर ऑप्शन हट गया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पार्ट वन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। इसके बाद पार्ट सेकंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, चूज पार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ कहीं भी फोटो यहाँ पर रखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सेकंड ईयर की मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आपको यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, चूज बार पर क्लिक करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लास्ट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ओके करेंगे तो डायरेक्ट वाला ये डायरेक्टली नेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर नीचे आपकी जो भी जनरल डिटेल्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और इसके साथ आपको यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर वाला ऑप्शन है। सिंपली आपको यहाँ पर जो प्रिंट अलॉटमेंट है इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो फीस है आपकी फीस की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। कितनी फीस है, 22,000 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर इमित्र चालान यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो जो यहाँ पर आपका चालान नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर इमित्र पर जाना है और उनको ये इमित्र चालान दिखाना है, और वहाँ से इमित्र चालान के माध्यम से वो इमित्र आईडी के माध्यम से अपना 22,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर जो फीस है फीस जमा करवाने की, तो इमित्र के माध्यम से ही आपको फीस जमा करवानी है। और फ्रेंड इसका यहाँ पर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक की है टू प्रिंट पेमेंट इनवॉइस। आपको इसको प्रिंट आउट अपने मोबाइल में सेव कर लेना। कैसे सेव करना मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन है। आपको यहाँ पर तीर वाले निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर होना चाहिए या फिर गूगल ड्राइव होना चाहिए, तभी ये पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इमित्र पर जाकर 22,000 की फीस आप यहाँ पर जैसे जमा करवा देते हैं, जमा करवाने के बाद आपको क्या करना होगा, जमा करवाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर दे सकते हैं ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किया है कि स्टूडेंट एडमिशन पैनल क्या है, तो एडमिशन पैनल यही है आपका, यहाँ पर इसी को ही एडमिशन पैनल कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर एडमिशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रोल नंबर, काउंसलिंग सीरियल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, 22,000 की फीस जमा हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन स्लिप देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है। तो उसको प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको सेव करके रख लेना है, और वही आपकी कॉलेज में जमा होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आपको यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालना है, इसका मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, 22,000 की फीस आपको मित्र के माध्यम से जमा करवाएंगे, इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने का यहाँ पर हो चुका है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा, या फिर आपको जैसे वीडियो समाप्त होगा वहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट का वीडियो, उसको देखकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उस वीडियो पर बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।